हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग जस्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पोर्शन का। सो हम लोग इस वीडियो में अबाउट कॉमर्शियल बैंक डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, वो किस तरह से रन करता है, रन करने का बोलने का मतलब क्या, कैसे वो हम ही लोग से डिपॉजिट जमा करवा के हम ही लोग को पैसा वापस दे के किस तरह से मुनाफा कमा रहा है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट शुड बी आवर राइटिंग पॉइंट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन द एग्जामिनेशन, उसको हम लोग देखेंगे कैसे इस आंसर को एक्सप्लेन करना एग्जामिनेशन में, उसको भी देखेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। पहले में मीनिंग बताएंगे, मीनिंग क्लियर करेंगे कि मीनिंग होता क्या है कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद मीनिंग के बाद फंक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें फर्दर हम लोग कैटेगोरिकली डिवाइड कर देंगे प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो चलिए पहले मीनिंग को समझते हैं कि कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। सो अ कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। क्या बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन एंड ऑफर बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू मेक प्रॉफिट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये थोड़ा सा बैंक के जो अदर बैंक करता है वो ये भी वही काम करता है। क्या करता है? तो ये प्रोवाइड करवाता है द फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बिजनेस लोन, ऑफर बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड टू मेक प्रॉफिट। देयरफॉर अ कॉमर्शियल बैंक इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉफिट सीकिंग बैंक। तो ये कॉमर्शियल जहाँ पे भी लग गया तो समझ जाइए उसका मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि वहाँ पे मेन मोटिव हो जाता है प्रॉफिट कमाना। एग्जांपल में हम लोग किसका एग्जांपल देंगे? एसबीआई। अब एसबीआई का तो कुछ इशू है कि आएगा या नहीं आएगा। पीएनबी, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, एटीसी। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल हम लोग दे देंगे कॉमर्शियल बैंक के। इसके बाद हम लोग फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या है? अब देखिए, फिर से मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग फंक्शन को भी कैटेगोरिकली डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन जिसको आप बोल सकते हो। तो कॉमर्शियल बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है दूसरे वर्ड में, वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, देयर आर फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहला चीज़ है वो डिपॉजिट आपको जमा करने का फैसिलिटी देगा कि आप एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे अपने सम को रख सकते हो। सो अ कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ करेंट सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये आपको अलग अलग ऑप्शन देता है, अलग अलग अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या अलग अकाउंट है? तो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो। इट कलेक्ट द सरप्लस बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल फर्म एंड फाइनेंस द टेम्पररी नीड ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। बोलता है सरप्लस मतलब जो बच जाता है वही लोग जमा करते हैं। तो वही इट्स कलेक्ट द सरप्लस बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल फर्म एंड फाइनेंस द टेम्पररी नीड ऑफ द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, और उनको पूरा करता है जो बेसिक ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, लेके किसी और को अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको प्रोवाइड करवाता है। तो इकोनॉमी में इस तरह से कर रहा है कि किसी से ले रहा है, किसी को प्रोवाइड करवा रहा है। द बैंक डज दिस बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। डिपॉजिट्स आर, यहाँ पे फुल स्टॉप एक्चुअली होना चाहिए, डिपॉजिट्स आर लाइफ लाइन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। डिपॉजिट्स क्या होता है? तो लाइफ लाइन होता है किसी भी बैंक का, नॉट ओनली कॉमर्शियल बैंक बट दीज आर लाइफ लाइन्स। जब तक डिपॉजिट नहीं होगा वो किसी को मनी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, उससे हायर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि डिपॉजिट्स आर लाइफ लाइन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक। इसलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। किस क्या फंक्शन?
टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर डिपॉजिटिंग द सम. ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है ये सबसे बेसिक फैसिलिटी कंसीडर किया जाता है या फंक्शन कंसीडर किया जाता है बैंक का. डिपॉजिट रिसिप्ड बाय बैंक मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप. अब हम लोग थोड़ा सा किस फॉर्म में डिपॉजिट जमा किया जा सकता है, कितने टाइप के अकाउंट होता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं. तो यहाँ पे तीन तरह का अकाउंट होता है. पहला को बोला जाता है करेंट अकाउंट, जिसको करेंट अकाउंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट. बेसिकली ये अकाउंट बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इजीली आप मतलब लेन देन कर सकते हो. जब मन तब आप निकाल सकते हो, जब मन तब आप जमा कर सकते हो. तो देखिए वही बताया गया है कि सच डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड. पे कर दिया जाता है जब भी रिक्वायरमेंट होता है डिपॉजिटर्स को, तो उनको वापस पे कर दिया जाता है. एंड देयरफॉर कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट्स. दीज कैन बी विथड्रॉन बाय द डिपॉजिटर्स एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस इन द अकाउंट. द बैंक डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट बट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ चेक. तो यहाँ पे चेक का फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा. दीज अकाउंट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाई बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु रिसीव्स एंड मेक बिजनेस पेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट थ्रू चेक. तो यहाँ पे चेक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है. थोड़ा आगे और अच्छे से चेक का कंसेप्ट समझेंगे कि चेक होता क्या है रियल में. वो बैंक दे दिया, आप जहाँ पे लेके जाओगे आपको अमाउंट का ज़रूरत नहीं होता, वो उस चेक के थ्रू ही उतना सम का काम हो जाएगा. तो इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग समझेंगे कि चेक का कंसेप्ट. तो यहाँ पे बताया गया कि जनरली ये बिजनेसमैन को दिया जाता है. इसके अंदर चेक को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे इजीली एक दूसरे जगह पे ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. अब आता है टाइम फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट्स हैव अ फिक्स पीरियड. जैसा नाम है फिक्स डिपॉजिट, मतलब कुछ पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो, वहाँ पे फिक्स हो गया उतना पीरियड के लिए कर रहे हो. फिक्स डिपॉजिट हैव अ फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी and are referred to as time deposits. These deposits are neither payable on demand nor they enjoy check facility. They can be drawn only after the maturity of a specified fixed period. They carry high rate of interest. इसमें क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये जो fixed डिपॉजिट है वो बैंक भी जान रहा है कि इतने पीरियड के लिए तो मेरे से मानने नहीं आएगा कस्टमर. तो अब वो इस पे क्या कर सकता है, क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. क्रेडिट क्रिएशन वो इजीली कर सकता है, या फिर वो किसी इस सम को किसी को लोन के रूप में दे सकता है, क्योंकि वो फ्री है अभी कि इतना पीरियड के लिए तो कोई मेरे पास आ नहीं रहा रुपया मांगने. तीसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स आर जनरली ओपन्ड बाय हाउस होल्ड. जो करते हैं जब अपना रुपया बच गया तो वो जमा करते हैं. द डिपॉजिटर्स आर गिवन द चेक फैसिलिटी टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट बट सम रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज. यहाँ भी चेक फैसिलिटी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है. यहाँ पे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ विथड्रॉल ये थोड़ा सा फिक्स्ड होता है. देखिए their account some restriction are imposed on the number and amount of withdrawal that can be made through it. It carries a rate of interest which is less than interest of fixed deposit. ये थोड़ा सा interest carry करता है, लेकिन जो करता है वो बहुत ही कम होता है as compared to the fixed deposit. अब आता है दूसरा फंक्शन. दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन क्या था हमारा कि ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. दूसरा है एडवांसिंग लोन. द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन इट आइडियल. जो रिसीव किया जाता है वो एकदम से बैंक में रखा ही नहीं रहता है. वो डिपॉजिट क्या किया जाता है, किसी को लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है. तो वही बताया जा रहा है कि सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व द बैलेंस इज गिवन टू द नीडी बोरोवर एंड इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम दिस बैंक. मैंने आपको पहले ही बताया कैसे इनकम ये बैंक कमाते हैं. हम लोगों से रुपया लेते हैं, फिर किसी को देते हैं लोन के रूप में, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोगों को कम इंटरेस्ट देते हैं. तो जो प्रॉफिट बीच का है वो इनको मिल जाता है, ठीक है ना.
चलिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन यहाँ पे बताया गया, कितना अलग अलग तरह का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब कैश के अकॉर्डिंग क्रेडिट आपको वहाँ पे मेजर करके फिर लोन दिया जाता है। तो कैश क्रेडिट रेफर्स टू लोन गिवन, यहाँ पे लोन है एक्चुअली। तो कैश क्रेडिट रेफर्स टू लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करेंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, इटीसी। फिर आता है डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है? जो डिमांड करने पे मिल जाए, वहाँ पे देखा जाता है आपके पास क्षमता है पे करने का या नहीं। अगर आपका क्षमता रहता है तो वो आप डिमांड करते हो, फिर मिल जाता है। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लोन जो लिया जाए वो भी बैंक प्रोवाइड करवाता है। अब आते हैं थर्ड फंक्शन पे। पहला फंक्शन था डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा फंक्शन था मनी प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तीसरा फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है भाई? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। द प्रोसेस बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट टू डिराइव डिपॉजिट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। बीच में बैंक क्या करता है कि चेक के थ्रू क्रेडिट को क्रिएट करता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बैंक का जान होता है। तो क्रेडिट क्रिएशन इसका हम लोग अलग वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझेंगे। ये एक अलग टॉपिक ही है, या क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो एग्जामिनेशन में ऑफेनली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब आते हैं इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन पे, कि सेकेंडरी फंक्शन हमारा क्या है, बैंक क्या करती है। सो सेकेंडरी फंक्शन इसका क्या क्या है बेसिकली? तो पहला है कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। सो देखिए, इसमें बताया गया है इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज अकाउंट अप टू अ लिमिट। उसका कुछ लिमिट सेटअप किया रहता है और उस लिमिट तक वो निकालने का परमिशन दिया रहता है। दिस फैसिलिटी इज गिवन टू रिस्पेक्टेड एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये किसको दिया जाता है? तो भरोसेमंद आदमी को दिया जाता है, जो पता रहता है, तो जिस पे बैंक भरोसा करता है, कुछ गिने चुने आदमी को दिया जाता है। कस्टमर्स हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक अमाउंट ओवर ड्रॉ बाय देम। बाद में उनको क्या होता है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि जितना वो ओवर ड्रॉ करते हैं। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इट रेफर्स टू फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ अ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। इसमें फैसिलिटी दिया है कि मैच्योरिटी आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप डिस्काउंट करवा सकते हो, उस बिल को रिडीम करवा सकते हो। आफ्टर डिड्यूसिंग द कमीशन द बैंक पेज द बैलेंस ऑन द होल्डर। ऑन मैच्योरिटी बैंक गेट्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। और बाद में वो क्या है, दूसरे पार्टी को भेज दिया अगर आपका जो बॉन्ड है या कुछ भी ऐसा है, तो वो पार्टी बैंक को पे करता है जितना भी पे करना है उसको। तो यहाँ पे दो फैसिलिटी देखे सेकेंडरी फंक्शन के आगे। अगला फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शन ऑफ फॉर देयर कस्टमर, और इसी को हम लोग एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। फॉर दिस बैंक चार्ज सम कमीशन फ्रॉम दी क्लाइंट्स। फॉलोइंग आर दिस सम एजेंसी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ट्रांसफर ऑफ फंड। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांसफर ऑफ फंड प्लेस टू प्लेस। तो ये प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट प्लेस। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। कॉमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, बिल, डिविडेंड एंड अदर रिसिप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर क्लाइंट। तो ये भी काम करता है, अगर आप उनको सजेस्ट करोगे तो वो आपके बिहाफ में जो आपको करना है वो आपका काम पूरा कर सकते हैं। वो चेक का पेमेंट कर देंगे, बिल बिल को आपको कुछ लेना है, बिल पे करना है, तो ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, आपका अगर किसी बॉन्ड को ख़रीदना है, किसी बॉन्ड को बेचना है मार्केट में, तो वो भी काम किया जाता है। बैंक उसकी भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। कॉमर्शियल बैंक बाइज एंड सेल स्टॉक एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। अब आता है थर्ड क्लासिफिकेशन या थर्ड कैटेगरी, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। सो अंडर जनरल यूटिलिटी फंक्शन देखते हैं बैंक जनरल में क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो पहला है अंडर जनरल यूटिलिटी फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन आर डन बाय द बैंक कॉमर्शियल बैंक विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। लोकर फैसिलिटी, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी लोकर टू कीप वैल्यूबल आर्टिकल ऑफ कस्टमर इन सेफ कस्टडी। सेफ रखने के लिए ये क्या करता है, लोकर प्रोवाइड करवाता है। दूसरा है ट्रेवलर्स चेक, कॉमर्शियल बैंक इशू ट्रेवलर्स चेक टू देयर कस्टमर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग द जर्नी। वो वहाँ पे फैसिलिटी देता है क्योंकि कैश ले जाना थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बैंक चेक के ही थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, बैंक जो है डाटा को कलेक्ट करता है और उसके बिहाफ में आपका रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है। जहाँ पे जिसको लोन का रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पे खुद जाता है और अप्रोच करता है कि आप मेरे से लोन लीजिए, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, डाटा को कलेक्ट करना और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फंक्शन करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का। सो हम लोग देखें कि हम लोग किस वे में आंसर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग सम लिखना है एग्जामिनेशन में, फिर वहाँ पे फंक्शन पे आएंगे और तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जनरल यूटिलिटी, पहला कैटेगरी प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। फिर तीनों पॉइंट को अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। एंड आई होप आपको समझ में आया हो, मज़ा आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।